वेलकम टू नगमा टेस्टी डिशेस। आपको अगर हमारे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करिएगा। ये देखिए हमारे घर पे ये बैंगन लगे हुए हैं। आज हम इन्हीं बैंगन से बैंगन की कलौंजी बनाना बताएंगे। चलिए बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे घर पे लगे हुए ये क्यूट छोटे छोटे बैंगन, जिनसे आज हम बैंगन की कलौंजी बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बैंगन को हमें इस तरह से काटना है। इसे सिर्फ हल्का सा स्लाइस कर देना है और इसे ऊपर से ज़रा सा पील करना है। बस हमने सब अपने बैंगन काट लिए हैं, अब हम इसमें पानी डालकर रख देंगे। चलिए बैंगन की कलौंजी बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 6 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब हम इसमें 1 टीस्पून 5 फोरन डालेंगे और उसके साथ ही साथ हमने ये एक प्याज काट के रखा हुआ है, ये डालेंगे। प्याज जो हमने चॉप किया हुआ था, देखिए फ्रेंड्स, प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून अदरक और 1/2 टीस्पून लहसुन यानी जिंजर और गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इसके साथ ही साथ हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी और सॉल्ट 1/2 टीस्पून डालेंगे। मसालों को अच्छे से फ्राई करना है। मसाले को 1 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद हम इसमें 1 चॉप किया हुआ टोमेटो जो काट के रखा था वो डाल देंगे। और ज़रा सा टोमेटो को सॉफ्ट होने देंगे। अब देखिए मसाला बिल्कुल टोमेटो सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें अपने प्यारे प्यारे बैंगन जो हमारे घर के हैं वो डाल देंगे। बहुत ही प्यारे छोटे छोटे बैंगन की ये कलौंजी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। अब इसे हम कवर करके गलने के लिए रखेंगे। अब देखिए, आप इसे बीच में खोलकर हल्का सा पानी भी डालकर, ताकि ये मसाला स्टिक ना करे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर भी डालेंगे, इससे और भी टेस्टी बनता है ये कलौंजी। हल्का सा इसे टर्न करके फिर इसे हम सिम में कवर करके रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बैंगन की कलौंजी अब बिल्कुल पक चुकी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बैंगन की कलौंजी रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा।
वो मुझे मोटिवेट करते हैं और भी कुछ अच्छा बनाने के लिए। थैंक यू।